जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वो है रमज़ान और तक्वा, यानी रमज़ान में तक्वे को कैसे हासिल किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर को बजा लाना और उसके नवाही से इज्तनाब करने को तक्वा कहते हैं, यानी अल्लाह ताला के अहकामात को दिल और जान से तस्लीम करते हुए उस पर अमल करना और अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है, मना किया है, उनसे रुकना, अल्लाह की इताअत करना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, यही तक्वा है। तक्वे के इसी अहमियत के पेश नज़र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर मुसलमानों को हुसूल तक्वा की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला का तक़्वा इख्तियार करो और सीधी सीधी बात कहो। एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, लोगों तुम इस्तताअत के मुताबिक अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में बसाओ। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक्वा की तलकीन करते हुए फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, लोगों तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, चाहे खलवत में हो, जलवत में हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, लोगों में हो या ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक्वा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। रमज़ानुल मुबारक चूँकि ये इबादतों का, बरकतों का, सआदतों का और तरबियत वाला महीना है, इस माह मुबारक में एक इंसान, एक मुसलमान बहुत सारी इबादतों और खैर के काम को अंजाम देता है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो, अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक्वे को इख्तियार करे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को तक्वे का सबब बताते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। बुनियादी सबब तक्वे को बताया गया। अगर एक इंसान महज रोज़ा रखे मगर रोज़े के शराइत को, उसके तकाज़ों को पूरा न करे और माह रमज़ान में दीगर हुसूल तक्वा के असबाब को न अपनाए, तो फिर ऐसा इंसान सही मानों में रमज़ानुल मुबारक में तक्वे को हासिल नहीं कर सकता। मैं इंशाल्लाह आज के इस खुतबे जुमा में बड़े ही इख्तसार के साथ माह रमज़ान में तक्वे को कैसे हासिल किया जा सकता है चंद असबाब आपके गोशे गुजार करूँगा। सबसे पहला सबब, रमज़ान की आमद के मौके पर ही अपने आप को तैयार रखना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए और गुनाह, मासियत, नाफरमानी से बचने के लिए अपने आप को तैयार रखना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, जब रमज़ान का महीना आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए अपनी कमर को कस लिया करते थे, अपने आप को बिल्कुल मुस्तैद रखा करते थे, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखा करते थे और बिस्तर पर तशरीफ़ न लाते यहाँ तक कि रमज़ान का महीना गुजर ना जाता। सहाबा किराम के बारे में भी यही आता है,
रमजान की आमद के मौके पर सहाबा इकराम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को अंजाम देने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखा करते थे, अपने आप को बिल्कुल मुस्तैद रखा करते थे। लेकिन अफसोस है, आज का मुसलमान रमजान की आमद के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को अंजाम देने के सिलसिले में अपने आप को तैयार रखने के बजाय बाजारों की जीनत बनता जा रहा है, खरीदो फरोख्त का मुजाहरा करता है और दीगर दुनिया की मसरूफियात में लगा रहता है। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, इज़ा दखला रमजान, रमजान का महीना जब आ जाता, यकूलु लि असहाबी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते, ऐ मेरे सहाबा, कद जाअकुम शहरुम मुबारक, माह मुबारक की आमद हो गई, कतबल्लाहु अलैकुम सियामा, इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर रोजों को फर्ज किया है, फीही तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना, इस माह मुबारक में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, वतुगलकु अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, वतुगल्लु फीही शयातीन, और शयातीन को पाबंद सलासल किया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, फीही लैला, फीही लैलतुन, इसमें एक रात है, माह रमजान में एक रात है जो हजार महीनों से बेहतर है, खैरु मिन अल्फ शहर, मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमा, जो भी इस रात के खैर से महरूम कर दिया जाए, दर हकीकत ऐसा ही इंसान खसारा पाने वालों में से है। तो रमजान की आमद के मौके पर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को अंजाम देने के लिए अपने आप को तैयार रखे, अपने आप को बिल्कुल फिट रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। यह पहला सबब था। दूसरा सबब, माह रमजान में रोजों को सवाब की नियत से रखे। आज हम अक्सर देखते हैं लोग दीगर लोगों को, दीगर अफराद को देखकर रोजा रख लेते हैं, लोगों को देखकर रोजा रखते हैं और लोगों को देखकर ही इफ्तार कर लेते हैं, उनके रोजों में सवाब की नियत का फकदान होता है। रोजों का मुआमला इंतहाई बड़ा है, इसलिए कि रोजे रखने की वजह से एक तो अल्लाह ताला पिछले गुनाह को माफ फरमा देता है और इस रोजे का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। अल्लाह ताला जितना चाहे रोजेदार को रोजे का सवाब अजर अता फरमाता है, इसलिए रमजान के रोजे सवाब की नियत से रखे जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन साम रमजान ईमान वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जो भी शख्स रमजान के रोजे सवाब की नियत के साथ, ईमान के साथ रमजान के रोजे रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुना माफ फरमा देते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम लह इल्ला सियाम, आदम के बेटे का हर अमल आदम के बेटे के लिए है, इल्ला सियाम, सिवाय रोजे के। नमाज पढ़ता है तो नमाज उसके लिए है, जकात देता है तो जकात उसके लिए है, दुआ करता है तो दुआ उसके लिए है, दीगर इबादतों को अंजाम देता है तो वो इबादतें इब्ने आदम के लिए है, इल्ला सियाम, सिवाय रोजों के। इसलिए कि रोजे के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, फइन्नहु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजजी भी, और इसका बदला भी मैं देने वाला हूं। इस रोजे की वजह से पिछले गुनाह जब माफ हो जाते हैं और उस रोजे का हिसाब, इस रोजे का अजर सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, तो रोजे का मुआमला इंतहाई बड़ा है। लिहाजा जब भी एक मुसलमान रमजान के रोजे रखे तो सवाब की नियत के साथ रोजे रखकर तकवे को हासिल करने की कोशिश करे, इसलिए कि रोजे का एक बुनियादी सबब तकवा कहा गया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला से डरने वाले बनो। तीसरा सबब, रोजे में हलाल चीजों से बचने के साथ साथ हराम चीजों से भी बचा जाए, इस जरिए से भी तकवे को हासिल किया जा सकता है। एक इंसान रोजा रखता है, हलाल चीजों से बचता है,
खाना पानी और दीगर हलाल चीज़ों को अपने हलक से नीचे उतारने के लिए डरता है, इन सारे चीज़ों से बचता है। जहां हलाल चीज़ों से बचने का नाम रोज़ा है, वहीं हराम चीज़ों से भी बचने का नाम रोज़ा है। झूठ, चुगली, गीबत, चोरी और दीगर जराइम से रुकना इंतहाई ज़रूरी है। दीगर गुना, मासियत, नाफरमानी से रोजे की हालत में बचना जरूरी है। एक इंसान रोजा रख कर हलाल चीजों से बचता है और हराम चीजों से को तर्क नहीं करता, हराम चीजों को नहीं छोड़ता, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे रोजों की कोई हाजत नहीं होती। कितने ऐसे लोग हैं मुसलमानों में जो रोजा रख लेते हैं, हलाल चीजों को तर्क कर देते हैं मगर हराम चीजों का इर्तिकाब करते हैं। झूठ, चोरी, गीबत, चुगली, दीगर हराम कामों का रोजे की हालत में इर्तिकाब करते हैं और नऊज़ु बिल्लाह गाली गलौज भी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिह फलैस लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ ताअमहु व शराबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठ बात ना छोड़े और बुरा अमल ना छोड़े, कौल अज़्ज़ूर में गीबत, चुगली और फवाहिश मुनकरात के बातें सुबह आ जाएंगे। जो शख्स झूठ बात ना छोड़े, बुरी बात ना छोड़े, बुरे अमल ना छोड़े, फहश काम ना छोड़े, मुनकरात ना छोड़े, फलैस लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ तुआमहु व शराबा, तो अल्लाह ताला को उसके खाने और पीने छोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। यानी इंसान रोजा रख रहा है, सिर्फ खाना पीना छोड़ रहा है, रोजे के तकाजों को पूरा नहीं कर रहा है, रोजे के शराइत को पूरा नहीं कर रहा है। जब रोजे के तकाजों को, रोजे के शराइत को पूरा ना करे, झूठ ना छोड़े, गीबत ना छोड़े, चुगली ना छोड़े, चोरी ना छोड़े, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे रोजे की कुछ जरूरत महसूस नहीं होती। यानी सिर्फ वो खाना पीना छोड़ रहा है, शरीयत पर मुकम्मल अमल पैरा नहीं है। लिहाजा एक इंसान को, अगर एक मुसलमान को रोजे का पूरा सवाब हासिल होना है, हासिल करना है, तो फिर रोजा रखने के साथ साथ हलाल चीजों से बचने के साथ साथ हराम चीजों से भी बचा जाए, ऐसा करके भी तकवे को हासिल किया जा सकता है। चौथी चीज, कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करना। रमजान कुरान मजीद का महीना है और इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। हुदल लिन्नास जो सारी कायनात के लिए हिदायत है, कायनात में सारे लोगों के लिए यह कुरान मजीद हिदायत है और ये वो कुरान मजीद है जो लोगों को सबसे सीधा रास्ता दिखलाने वाला है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम। दीगर आसमानी बहुत सारी किताबें हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, सुहुफ़ इब्राहिम है व मूसा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के बारे में फरमा रहे हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम। यह कुरान मजीद सबसे सीधी राह दिखलाने वाला है और इसी कुरान मजीद की तिलावत की वजह से ईमान में इजाफा होता है। वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिनों का हाल यह होता है जब उनके सामने कुरान मजीद की आयतों को तिलावत किया जाता है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। और यही कुरान मजीद को मकाम हासिल है, जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो इस तिलावत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों को सुकून और कल्ब अता फरमाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इस कुरान मजीद में सरासर चैन और सुकून है। जो भी शख्स इस कुरान मजीद की तिलावत करता है, इस जिक्र को पढ़ता है, तो दिल मुतमइन हो जाते हैं, दिल चैन और सुकून व करार पा जाते हैं। इतनी सारी फजीलत अहमियत के बावजूद आज अफसोस है, आज का मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 30, 40, 50, 60, 70 साल से मुतजाविज़ है, गुजर चुकी है,
मगर कुरान मजीद उठाकर पढ़ना उन्हें तौफीक नसीब नहीं होता। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी जवानी बाजारों में होटलों की नजर हो रही है मगर कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक उन्हें नहीं मिलती। कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद की आयतों को शिफा की गर्ज से महज तावीज बनाकर गले में लटका लेते हैं मगर कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते। कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद को जुजदान हरीर और रेशम में लपेट कर अपने घरों में ताकों में सजा कर रख देते हैं और कसम खाने की बारी आ जाती है, कुरान मजीद को उठाया जाता है, उसकी कसम खाई जाती है, फिर उसको उसके मकाम पर रख दिया जाता है, धूल गर्द गबार अटा हुआ रहता है, कसम खाने की बारी आती है तो कुरान मजीद को उठाया जाता है, फिर उसको उसके मकाम पर रख दिया जाता है, लेकिन कुरान मजीद को नहीं पढ़ते। क्या यह हमारे लिए बाईस लम्हे फिक्रिया नहीं है? जबकि कुरान मजीद की बहुत सारी फजीलतें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्रउल कुरान فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه। यह कुरान मजीद की फजीलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों कुरान को पढ़ो, क्यों? فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, इसलिए कि यह कुरान कल क़यामत के दिन साहिब कुरान कारी कुरान के सिलसिले में सिफारिशी बनकर आएगा। गौर करने का मकाम है, क़यामत का मंजर इंतहाई होलनाक मंजर है। ऐसे आलम में कुरान सिफारिश करने के लिए आएगा जबकि हमारी वो औलाद, हमारे वो बेटे जिनके सुकून के लिए, जिनके चैन के लिए हम अपने चैन को, अपने मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए, उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हर तरह की हम मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपनी औलाद का मुस्तकबिल संवारने के लिए हम अपने चैन को, अपने मुस्तकबिल को खपा रहे हैं, जबकि यही औलाद जिनके लिए हम कमा रहे हैं, जिनके लिए दौलत जमा कर रहे हैं, जिनके लिए हम नमाजों को छोड़ रहे हैं, जिनके लिए शरीयत के मुताबिक अमल नहीं कर रहे, यही औलाद कल कयामत के दिन देखकर राह फरार अख्तियार करेगी इस डर से कि कहीं मेरे वालिद मोहतरम, मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार, मेरे आयजा, मेरे अकारिब मुझसे नेकियों का मुतालबा न करें। ऐसे माहौल में, ऐसे होलनाक दिन में कल कयामत के दिन कुरान सिफारिश करने के लिए आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द यौम अल क़ियामा। कल क़यामत का दिन होगा, रोजा और कुरान एक बंदे के हक में सिफारिश करने के लिए आएंगे। यकूल अस्सियाम, रोजा कहेगा ऐ मेरे रब मनअतुहु तआम व शराब व शहवात बिन नहार, ऐ मेरे रब मैंने दिन में इस बंदे को खाने से, पीने से और दीगर शहवात से रोके रखा, ऐ मेरे रब तू आज के दिन उसको माफ फरमा दे। वह यकूल कुरान, कुरान कहेगा ऐ मेरे रब मनअतुहु नौम बिल्लैल, ऐ मेरे रब मैंने इस बंदे को रात में नींद करने से, सोने से रोके रखा। ये शख्स रात में, ये बंदा रात में जागता, कुरान मजीद उठाता, कुरान मजीद पढ़ता, कसरत से तिलावत करता, उसमें गौर फिक्र करता, तदब्बुर करता, ऐ अल्लाह आज के दिन इस बंदे को माफ फरमा दे। फयुशफ्फान, अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश को कबूल कर लेंगे और फिर बंदे को माफ फरमा देंगे। रमजान का महीना कुरान मजीद का महीना है, इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है, अहादीस से मालूम होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात हजरत जिब्रील को कुरान मजीद सुनाते और हजरत जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद सुनाते। और जिस साल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद सुनाया। बहैसियत मुसलमान होने के हम पर भी जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है कि हम कुरान मजीद को रोज पढ़ें, कसरत के साथ उसकी तिलावत करें, खुसूसन माह रमजान में कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें, उसमें गौर करें, फिक्र करें, तदब्बुर करें और ये देखें कि कुरान मजीद की आयतें हमसे क्या मुतालबा कर रही हैं, कुरान मजीद की आयतें, कुरान मजीद की सूरतें हमसे क्या मुखातब हो रही हैं।
हमसे क्या खिताब कर रही हैं, गौर फिक्र करना, तदब्बुर करना जरूरी है। बसूरत दीगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जलील उखार कर देगा। ये कुरान मजीद को अगर पढ़ना छोड़ दिया जाए, इस पर अमल करना छोड़ दिया जाए, तो इस सबब अल्लाह ताला जलील उखार कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह यरफ़ाउ बिहादल किताब अक्वामन वयदाउ बिही आखरीन। लोगो, अल्लाह ताला इस किताब की वजह से लोगों को तरक्की अता फरमाता है, और इसी किताब कुरान मजीद की वजह से जब लोग इसको पढ़ना छोड़ देंगे, इस पर अमल करना छोड़ देंगे, इसमें गौर फिक्र तदब्बुर करना छोड़ देंगे, तो फिर इस किताब की वजह से ही अल्लाह ताला मुसलमानों को जलील व खार तबाह बर्बाद कर देगा। तो माह रमजान में कुरान मजीद को कसरत के साथ पढ़ के भी तकवे को हासिल किया जा सकता है। एक और सबब, पांचवा सबब, कसरत के साथ दुआ करना। रमजान में कसरत के साथ दुआ करके भी तकवे को हासिल किया जा सकता है। कुरान मजीद के दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर सबसे पहले रमजान और रोजों के मसाइल का बयान किया, फिर उसके बाद फौरन अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र फरमाया। इससे मालूम होता है रमजान दुआओं का भी महीना है। रमजान में अगर एक बंदा दुआ कर ले तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे पूछे, फइन्नी करीब, तो कह देना मैं बिल्कुल करीब हूं। उजीब दावत दाह इजा दहान, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुन लेता हूं, दुआ करने वालों की दुआ को सुन लेता हूं और कबूल कर लेता हूं। लेकिन अफसोस का मकाम है, मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे बुजुर्ग हैं, जिन्हें जब भी कोई तकलीफ मुसीबत परेशानी लाहक हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय गैरुल्लाह के सामने सजदा रेज होकर अपने हाजात को रखते हैं। जबकि कुरान मजीद और दीगर अहादीस से हमें मालूम होता है दुआ ये अल्लाह ताला की इबादत है, और ये इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ न करने वालों के लिए धमकी दी, वईद शदीद सुनाई, फरमाया वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल लजीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला हूं। इन्नल लजीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से एराज करते हैं, मुझसे दुआ नहीं करते, अन खरीब व जलील व खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ न करने वालों के लिए वईद शदीद सुनाई और धमकी फरमाई, कहा जो लोग अल्लाह से दुआ न करें तो अल्लाह ताला जलील उखार करके उनको जहन्नम में दाखिल कर देगा। माह रमजान की मुनासिबत से हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ करें, इल्तिजा करें, मनाजात करें। इसके जरिए से भी तकवा को हासिल किया जा सकता है। छठा सबब, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इबादत को देखकर कहा करती थी, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मासूम अनिल खता हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ फरमा दिया है, फिर भी आप इतना तौबा इस्तिग़फ़ार, इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला अकुनु अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? गौर फरमाइएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, जिन पर कुरान मजीद नाजिल की गई, जो मासूम अनिल खता हैं, अगले और पिछले गुनाह माफ हो गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ और इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में यह आलम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से ज्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन से किया करते थे। आज हम कितने गुनाह नहीं करते, गुनाहों में डूबे हुए, मासियत के इर्तिकाब करने वाले, नाफरमानी करने वाले,
ہمیں کتنی مرتبہ دن میں استغفار توبہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص رمضان کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں اے عائشہ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ رمضان کی مناسبت سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، اس لیے کہ توبہ استغفار کے بہت سارے فضائل، بہت سارے فوائد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور سبب، رمضان میں تقوی کو قیام اللیل کے ذریعے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قیام اللیل یعنی تہجد، تراویح، قیام اللیل کے ذریعے سے بھی رمضان میں تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور رمضان کا قیام اللیل تو یہ بہت بڑے شرف کا اور مقام کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جو شخص رمضان پائے اور رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام نہ کرے، گویا کہ اس نے پورے رمضان کو ضائع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کر کے بھی ایک مسلمان تقوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور آخری سبب جو سب سے اہم سبب ہے، وہ ہے رمضان میں کم کھانے کو ترجیح دی جائے۔ زیادہ کھانا یہ کفار کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار سات آنتوں سے کھاتے ہیں، یعنی پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، جبکہ مومن کی علامت ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، تھوڑا کھا لیتا ہے، بھوک باقی رہتی ہے تو دسترخوان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے ایک مسلمان رمضان میں کم کھانے کو ترجیح دے، اس لیے کہ وہ پورے طور پر نشیط ہو کر، چست ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ جو انسان پیٹ بھر کر کھا لے، ایسا انسان نشیط ہو کر، چست ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اذا امتلأت المعدة، جب معدہ بھر جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، نامت الفکرہ، اس کے دماغ کی قوت و صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وخرست الحکمہ، اس کی حکمت بھی، اس کی دانائی حکمت بھی ختم ہو جاتی ہے، وقعدت الاعضاء عن العبادہ، اور جب انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو ایسا انسان اور ایسے انسان کے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے، جو انسان بھی رمضان میں پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، رمضان ہو چاہے غیر رمضان، پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔
रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल करने का महीना है, रमज़ान तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है, रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा हासिल करने का महीना है, रमज़ान इबादतों को और खैर के काम को अंजाम देने का महीना है, रमज़ान तक़वे को हासिल करने का महीना है, रमज़ान गुनाहों से बचने का महीना है, रमज़ान सरापा खैर का महीना है। और इस खैर के महीने में खैर को अंजाम देने के लिए एक मुसलमान पर ज़रूरी है, लाजिम है वो कम खाना खाए और खाना कम खाने को तरजीह दे, ताकि वो पूरे तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरे तौर पर नशीत होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को अंजाम दे सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमा बरदारी कर सके। हाजरीन, ये चंद असबाब थे जिनको अपना कर रमजान में एक मुसलमान तकवे को आसानी के साथ हासिल कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को माह रमजान की मुनासबत से इन असबाब को अपना कर, इन असबाब पर अमल कर कर तकवे को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।